हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी के लिए सोल्ड पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए सोल्ड पेपर है, आंसर की लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यूस अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को अभी कर दीजिएगा लाइक, लाइक जरूर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। बाय रिक्वेस्ट है, अभी सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? पांच राज्यों से, दो तीन चार, यानी पांच राज्यों से लगती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुदाब पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, जलचक्र पर, तापमान पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन दो, वायुमंडल की आर्द्रता पर। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन दो, 22 मार्च को। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह कौन सा है? ये दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि यह अभयारण्य है पेरियार। निम्न में से बीओडी को बढ़ाता है, शिवाल, मिट्टी, शर्करा मिल के अपविष्ट या जलीय पौधे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, शर्करा मिल के अपविष्ट। डब इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, उजान परत की मोटाई मापने में, सौर को मापने में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन थ्री, उजान परत की मोटाई मापने में, ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। जुगाली करते हैं जो पशु, उसमें किस ग्रीन हाउस गैस का प्रयोग जो निष्करण होता है वह है, किस ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है? CO2, मिथेन, CFC, नाइट्रस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि 127 का राइट आंसर आएगा मिथेन। भारत में मेग्रोन वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है मेलाबार तट, सुंदरवन, कच्छ केरन, तटीय उड़ीसा में? तो दोस्तों, इसका मैं राइट आंसर दे देता हूँ, राइट आंसर है सुंदरवन में। घास युक्त पारिस्थितिकी की तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, रेखिक, अनियमित? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर है जो घास सतल के लिए है वो इससे सीधा हुआ दोस्तों। 10% का नियम किसने दिया था? ओडम ने, लीडेमान ने, टेंसले ने, हेकले ने? तो दोस्तों, 10% का नियम जिन्होंने दिया था वे थे लीडेमान। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है सक्रमण, अनुक्रम, चरम अवस्था, क्रमिक? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा सक्रमण। महासागरों में पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है अम्ल वर्षा, ओजान क्षरण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग? तो दोस्तों, इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक, मॉस? तो दोस्तों, इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, लाइकेन। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? लेमुआ, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी? तो दोस्तों, इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, जलकुंभी ज़्यादा उग गई थी इसी के कारण वो नष्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है मोजोफाइट्स, हाइड्राफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन तीन, जीरोफाइट्स। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती थी? नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीन, कोलकाता। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आयन मंडल, समताप मंडल, सोम मंडल, मध्य मंडल? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, सोम मंडल। पृथ्वी तल पर 23.1/2 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तिथि रेखा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन वन, कर्क रेखा। यदि जैव मंडल में कोई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो ऊपर सर्वप्रथम कौन सा जीव प्रभावित होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय या प्राथमिक उत्पादक? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन फोर, प्राथमिक उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक है? मूल यानी प्राथमिक उत्पादक कौन है? चूहे, शेर, घास, सांप? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन थ्री, घास प्रभावित होगा प्राथमिक स्तर पर भी, आते जो घास खाते हैं या घास जो होता है। विलुप्ति के संकटग्रस्त जंतुओं व पादपों की सारणी का प्रकाशन पुस्तक में किया गया है
रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, शंकर ग्रस्त पुस्तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन वन, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व को बनाए रखना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर, अपघटक। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहनों से निकला धुआं, वाहनों की कटाई, औषधि अपविष्ट और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, औषधि औद्योगिक अपविष्ट। मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के दौरान कौन सी होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए कौन भोजन आवश्यक, कौन सा भोजन आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, प्रोटीन युक्त। आपके मोहल्ले में किसी बालक का शरीर बेडोल हो तथा हाथ पैर टिड्डे मिड्डे है, तो उस बालक में कौन सा रोग होने की संभावना है? कवासीओरकर रोग, सूखा, रतौंधी या सकरवी रोग। तो दोस्तों इनमें से इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन वन, कवासीओरकर। खेतों में बहकर आने वाली उर्कों के कारण जलाशय के, इसका दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, कि शैवाल ब्लूम बनते हैं और O2 की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह दोस्तों आपको मैंने सोल्ड मॉडल टेस्ट पेपर कराया है, सोल्ड मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों। अभी अभी आपने मेरे पास कमेंट किया था कि कोई सोल्ड मॉडल टेस्ट पेपर पर्यावरण अध्ययन के रिगार्डिंग या जनरल साइंस के रिगार्डिंग डाल दीजिएगा, जो कि एग्जाम होने वाला है उससे संबंध में। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसे वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, फिर एग्जाम देने जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।